हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजू स्पेस टीआरसी टैग में। तो चलिए आज हम चेक करते हैं डेल का ऑप्टिप्लेक्स मदरबोर्ड, जिसका मॉडल नंबर 7040MT HDMI Dual DP, जिसमें DDR3L टाइप रैम सपोर्ट करती है। तो चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में आया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप जान पाएंगे कि कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, कैसे डायग्नोस किया जाता है नॉट पावरिंग ऑन मदरबोर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप SMPS को चेक कर लें। SMPS को चेक करने के लिए देखिए, इसमें 8 पिन कनेक्टर SMPS होता है ये, और आप देख रहे हैं यहाँ पे LED है और यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप पावर केबल लगाएंगे तो 1 टाइम इस स्विच को पुश करेंगे तो ये LED ब्लिंक हो जाएगी, और जो इसका फ़ैन है, ये वाला फ़ैन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला मूवमेंट करने लगेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप समझ जाइए आपका SMPS गुड है। तो यदि आपका मदरबोर्ड नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में है, तो सबसे पहले IO को आप देखेंगे, जो कि इनपुट आउटपुट IC होती है और मदरबोर्ड को पावर होने में रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक पैनल दिया होता है जिसमें आप यहाँ पे 3.3 वोल्ट यहाँ पे चेक कर लेंगे इसकी, और यदि यहाँ पे आपके पैनल पे 3.3 वोल्ट आ रही हैं और तब भी आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो आप शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक शॉर्टिंग है, वो मैंने जो है क्लियर की है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर भी इसमें रिमूव चेंज हो रहे हैं, दूसरे लगा रखे हैं। आप सोल्डिंग भी देख रहे हैं, इसमें नई तरह की सोल्डिंग की है। ठीक है, तो ये किस तरह चेक करते हैं इसको, ये मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीमीटर को आप बीप रेंज पे रखेंगे शॉर्टिंग चेक करने के लिए। ठीक है, और दोनों क्रॉप को टच करके आपको इस तरह बीप आना चाहिए, तभी आप शॉर्टिंग चेक कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन में हमारा कंपोनेंट गुड होता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, एक ये मैंने कंपोनेंट यहाँ से रिमूव किया था, तो आप इसकी टेस्टिंग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको चेक कर रहा हूँ तो बीप आ रहा था। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा जो कैपेसिटर है ये खराब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, जिसके कारण हमारा मदरबोर्ड नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में था। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है, दूसरा लगा दिया है इस सेक्शन में, रैम वाले सेक्शन में। आप देख रहे हैं यहाँ पे रैम वाला जो सेक्शन है, ये जो कॉयल्स है इसके बगल में आप ये वाले जो कैपेसिटर थे, दोनों शॉर्ट हो गए थे, जो कि मैंने इसको रिमूव कर दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा मदरबोर्ड पावरिंग ऑन हुआ या नहीं। तो आप जैसा कि जानते हैं, ये मिनी PCI डायग्नोस्टिक कार्ड होता है। इसमें ये हमारा देखिए यहाँ पे 888 डेटा हमारा कोडिंग आ चुका है। ठीक है, और आपको मैं जानकारी एक और दे दूं, ये L टाइप की रैम सपोर्ट करती है। ठीक है मदरबोर्ड, तो चलिए एक बार डायग्नोस कर लेते हैं लाइव। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये PC3L टाइप रैम है, जो कि 4GB 12800U है। ठीक है, तो चलिए इसको लगा के चेक कर लेते हैं। रैम को लगाने के लिए आप प्रॉपर इसको पुश करेंगे, ये जो दो लॉक हैं ये आपस में ये क्लिप हो जाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा मदरबोर्ड यहाँ पे CC डेटा हमारा बन चुका है और एक बार बंद हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर हम फैन भी रख सकते हैं, जिससे हमारा प्रोसेसर ओवरहीट होकर के बंद ना हो। तो आप देख रहे हैं ये सेकंड टाइम रिस्टार्ट हुआ है, और फिर देखिए यहाँ पे CC डेटा हमारा बन चुका है। ओके, और अभी आप देखेंगे इसमें यहाँ पे VGA पोर्ट इसमें है नहीं, तो डिस्प्ले चेक करने के लिए हमें या तो HDMI कनेक्टर लगाना पड़ेगा, या आप कीबोर्ड से भी डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर लॉक पुश करेंगे,
तो यहाँ पे आप देखिए डिस्प्ले आपका आ चुका है। तो इस तरह आप क्लियर कर लेंगे आपका डिस्प्ले मदरबोर्ड गुड कंडीशन में है। तो ये रहा एल टाइप रैम, तो इसको बंद करके चलिए मैं आपको नॉर्मल रैम लगा के दिखाता हूँ कि इसमें डिस्प्ले आता है या नहीं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे 2GB रैम है PC3 10600, ठीक है। तो अब हम इसको लगाएंगे, ठीक है, मदरबोर्ड ऑन हो गया हमारा, वही सेम डेटा CC इंक्लूड हुआ यहाँ पे, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई सिस्टम हमारा रिस्टार्ट अभी नहीं हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें ये जो नॉर्मल रैम है ये हमारी नहीं सपोर्ट करती है और ना ही इससे डिस्प्ले आता है। तो यदि आपका गुड मदरबोर्ड हो जाता है तो आप रैम भी अपना एल टाइप ही इसमें लगाएंगे, यदि उससे डिस्प्ले नहीं आती है तो दूसरी रैम भी परचेज एल टाइप वाली ही करेंगे, क्योंकि ये मदरबोर्ड नॉर्मल रैम सपोर्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेसर है ये भी आपका i5-6500 की सीरीज का प्रोसेसर है, ठीक है। तो यानी कि इसमें 6th generation प्रोसेसर सपोर्ट होता है। तो आप इसमें सीखे नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में यदि आपका मदरबोर्ड है दोस्तों, तो आप किस तरह डायग्नोस करेंगे और शॉर्टिंग को किस तरह चेक करेंगे। मल्टीमीटर भी आप यहाँ पे बीप रेंज पे रखेंगे, ठीक है, यदि आपको शॉर्टिंग चेक करनी होती है। और यदि आपको DC वोल्ट चेक करनी होती है दोस्तों, तो आप ये DC का सिंबल है ये देखिए, आप DC 20 से लेके यहाँ तक 600 तक रखेंगे, ठीक है। और यदि आपको AC वोल्टेज चेक करनी है तो आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे AC का भी सिंबल यहाँ पे दिया हुआ होता है। और ये हमारी रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने के लिए होती हैं। तो मल्टीमीटर की भी आपको जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराई है, और आपको किस तरह मदरबोर्ड डायग्नोस करेंगे वो भी आपको इस वीडियो में पूरा बताया है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक दूसरे से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसी टेक्निकल फॉल्ट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।